क्या नेगेटिविटी की वजह से ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को हो सकता है लॉस? रणबीर आलिया को लेकर उज्जैन में मचा बवाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉलीवुड नजर। बॉलीवुड स्टार्स रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन में लगे हुए हैं और अब फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र से जुड़े कुछ अपडेट। जहां एक ओर अयान मुखर्जी डायरेक्टेड इस फिल्म को बॉलीवुड की किस्मत बदलने वाली फिल्म कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रणबीर और आलिया भट्ट को लेकर कुछ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है और वो सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। दरअसल रणबीर कपूर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बीफ को लेकर कहा था कि मुझे बीफ खाना बहुत पसंद है। इस इंटरव्यू की क्लिप वायरल होते ही कई लोगों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचा है। हाल ही में जब रणबीर आलिया और आयान फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना करने और प्रमोशन करने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, तभी वहां बजरंग दल के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आलिया और रणबीर को मंदिर के अंदर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी मंदिर में दर्शन करके आए और फिर हाई सिक्योरिटी के साथ देर रात को तीनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। यहाँ ये बात तो कंफर्म है कि ब्रह्मास्त्र को वाकई में बॉयकॉट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी फिल्म के रिलीज होने में 2 दिन की और देरी है, लेकिन टिकट्स की सेल लगातार बढ़ रही है और फिल्म ने अपनी पहली 1 लाख टिकट्स बेच चुकी हैं। इसलिए जहां कुछ लोग फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अब देखना ये है कि रिलीज होते ही ब्रह्मास्त्र एक नया रिकॉर्ड बनाती है या फिर बॉलीवुड की बाकी फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर इसका भी बुरा हाल होगा। खैर, इस बात में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड नजर को सब्सक्राइब कीजिए। Okay.